हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड न्यूज है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आशियान कंट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम आशियान कंट्रीज का जो मैप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 10 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं। उनके नाम हम देख लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले मैप को देख लिया। अब हम इसके बेसिक फैक्ट, हिस्ट्री, कैसे ओरिजिन हुआ आशियान कंट्रीज का, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आशियान क्या है? आशियान एक साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन जो मोटो है, मेन जो टारगेट है कि साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए और जो टेंशन्स हैं एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, जो टेंशन है, जो टेंशन बढ़ रही हैं, उनको ख़त्म करके उनके बीच में ये स्टेबिलिटी को लाया जाए। पूरे वर्ल्ड में हर साल 8 अगस्त को आशियान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और आशियान का जो सेक्रेटरीट है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। आशियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अब आशियान की कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1967 में आशियान को 5 देशों ने मिलकर के, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन्होंने मिलकर के बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर आशियान डिक्लेरेशन के थ्रू इसको स्टार्ट किया था। 1990s का जब समय आया तो उस समय धीरे धीरे समय के साथ 5 देश उसमें और जुड़ गए और ये बन गया आशियान कंट्रीज। देखो, अभी हमने आशियान डिक्लेरेशन और बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम सुना, आपको पता होना चाहिए आशियान से रिलेटेड है। इसके अलावा बाली कॉन्कॉर्ड और सेबू डिक्लेरेशन, ये भी आशियान से रिलेटेड है। अब हम आशियान से इंडिया का क्या कनेक्शन है, इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म, कुछ और ऐसे फोरम है जो आशियान के साथ जुड़ करके बने हुए हैं, जैसे आशियान रीजनल फोरम, ये 1993 में लॉन्च हुआ था। इसमें 27 मेंबर मल्टीलेटरल ग्रुप जो इसमें मिल करके उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इन पे कोऑपरेशन करने के लिए एक ग्रुप बनाया था 1993 में। आशियान प्लस 3, इसमें आशियान के 10 मेंबर कंट्री और 3 देश और, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। 1997 में ये आशियान प्लस 3 आया था। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट 2005 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई, या फिर ये जो समिट है ये स्टार्ट हुआ 2005 में, और इसका मेन काम ये है कि जो रीजनल एरियाज है उसमें सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जाए। इस ईस्ट एशिया समिट में आशियान के मेंबर कंट्रीज, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड US, ये सब इसके क्या हैं, ईस्ट एशिया समिट में मेंबर्स हैं। तो देखो, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आशियान जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन ईस्ट एशिया समिट जो आशियान के साथ ही मिलकर के बना हुआ है, 2005 में फर्स्ट मीटिंग हुई, उसमें इंडिया मेंबर कंट्री है। आशियान प्लस 3 में इंडिया नहीं है, चाइना, जापान और साउथ कोरिया मिलकर के है। देखो, जो आशियान है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने में आशियान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मार्केट प्रोवाइड करवाता है। EU और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स की तुलना में भी ज़्यादा बड़ा 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोवाइड करवाता है आशियान कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आशियान का चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया के साथ में FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उन सबको एक साथ कंप्रोमाइज करके, एक साथ जोड़ करके ये ग्रुप है। तो कोई भी देश अगर डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ एशियान जो ग्रुप है उसके साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। तो आशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, मणिपुर रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन रिफ्यूजीज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, वहाँ से रिफ्यूजीज इंडिया में प्रवेश कर रहे थे कुछ समय पहले। सबसे पहले मिजोरम में, मिजोरम जो सरकार है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जो रिफ्यूजीज हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उनके हेल्प के लिए काम किया जाए। लेकिन यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है उसने डिक्लेरेशन किया, कुछ नोटिफिकेशन जारी किया कि इंडिया इज़ नॉट ए कैपिटल ऑफ रिफ्यूजीज और जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप बेसिक ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो दीजिए, लेकिन एज ए रिफ्यूजीज इंडिया में उनको शरण देने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही पोलाइटली तरीके से आपको वापस उनको अपने देश में भेज देना है। आपका क्वेश्चन ये है कि म्यांमार के साथ में हमारी जो इंडिया की बॉर्डर शेयर होती है उसमें हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट मिलकर के अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको नीचे कमेंट बुक में बताना है। अब थोड़े दिनों बाद में मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पर भी लोग आने लग गए, उसको लेकर भी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने गाइडलाइन जारी की कि उन लोगों को इंडिया में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है और जो प्रवेश कर रहे हैं उनको आपको वापस भेजना है। लेकिन मणिपुर और मिजोरम जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ में काम किया है। जैसे मिजोरम गवर्नमेंट ने कोशिश कर दी है कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके तहत उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की प्लानिंग कर रही है मिजोरम गवर्नमेंट। और जो मणिपुर गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के तहत में जो मेडिकल अटेंशन है, जो ग्रीवियस इंजरीज हैं, उन सबको सोल्व करने की कोशिश की जाए। देखो ये भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि हमारे इंडिया में जो आधार एनरोलमेंट चल रहा है उसको इमिडिएटली स्टॉप करने की आवश्यकता है और जो आधार एनरोलमेंट किट्स हैं उनको सेफ्टी कस्टडी में लेने की आवश्यकता है। तो ये हमने म्यांमार के बारे में जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया। देखो इसमें एक महात्मा गांधी मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको सरकार के द्वारा एक लिमिटेड टाइम फिक्स किया गया है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का वर्क दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 2005 में ये एक्ट के थ्रू ये गारंटी स्कीम आई थी और इसका राइट टू वर्क लोगों को प्रोवाइड करवाना इसका मेन मकसद था इस स्कीम का। नेक्स्ट न्यूज, सर्ज इन केसेज एक कोज फॉर कंसर्न सेंटर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे इंडिया में कोविड 19 के जो केसेज है वो काफ़ी हाईली तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में जो केसेज की संख्या है वो 50,000 क्रॉस करने लग गई है, तो उसी को देख करके बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया में कोविड 19 की जो कंडीशन है वो बैड टू वर्स चेंज होती जा रही है और उसी को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनको ढंग से फॉलो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, SGPC फ्लेज फार्म लोज डिमांड विड्रॉल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि न्यूज़ का जो टाइटल है उसमें बोला गया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे उसकी निंदा की और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी आप इनको क्या करो, विड्रॉ करो और इनमें चेंजेज करके, आप चाहते हो ना कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, 2024 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए, डबल हो जाए, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। स्पेशली जब भी आप कोई लॉ बनाओ तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे फार्मर से रिलेटेड आपने लॉ बनाया तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे आप क्या करो, रिव्यू करवाओ अपने लॉ का, जो एक्ट है, जो लॉ है आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको रिव्यू करवाओ। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको भेजो और जिससे बेहतरीन तरीके का जो लॉ है वो निकल करके आएगा। पहले भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सके हैं कि मोटर व्हीकल्स एक्ट जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में उसको भेजा गया तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो एक्ट निकल करके आया और समय के साथ में उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता ना पड़ी, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसी को फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपका क्वेश्चन ये है कि MSP क्या होती है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होती है और वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा कितनी क्रॉप्स के लिए, हाउ मैनी क्रॉप्स के लिए MSP सिक्योर की गई है। ठीक है, और कौन सी कमेटी के तहत जो MSP है उसको, मतलब कौन सी कमेटी है जो गवर्न करने का काम करती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। नेक्स्ट न्यूज,
द हिंदू एडिटोरियल पेज पर एक डाटा आए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी पिछले एक सप्ताह से जो स्वेज कैनाल जो मेडिटेरियन सी को नॉर्थ में और साउथ में है रेड सी, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। 193 किलोमीटर लंबी एक कैनल है स्वेज कैनल, वहाँ पर एक कंटेनर MV एवर गिवन फंस गया था काफ़ी लंबे समय से, अब उसको निकाल दिया गया है। तो इसमें डाटा डिस्कस किए गए हैं कि कितना स्वेज कैनाल जो है वो कितना ट्रेड में प्रॉफिट करवाती है, कितना सिप्स की जो दूरी है उसको कम करवाने का काम करती है। 2019 के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि 19,000 वेसल्स इस स्वेज कैनाल के तहत नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ गई, और 1.2 बिलियन टन ऑफ कार्गो इस कैनाल के थ्रू इधर उधर ले जाया गया। यहाँ पर डिस्टेंस बता रखी है कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, जब आप स्वेज कैनाल के थ्रू जाते हो तो आपकी डिस्टेंस कितनी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मुंबई से न्यूयॉर्क आपको जाना है, अगर स्वेज कैनाल के तहत आप दूरी देखोगे तो 8,165 नोटिकल, यहाँ पर देखिए ये देखिए नोटिकल माइल्स, ठीक है 8,165 नोटिकल माइल्स। और अगर आप केप ऑफ गुड होप के तहत आप जाओगे तो 11,368, मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी सेव हुई, 3,203, इतनी दूरी सेव हो गई। तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो आप एनर्जी फ्यूल कंज्यूम करते वो आपका सेव हो गया, इतनी डिस्टेंस को दूरी कवर करने के लिए, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम कंज्यूम होता वो सेव हो गया, टाइम एनर्जी। और इसके अलावा जो ट्रेड, जैसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं पेरिशेबल जो समय के साथ में अगर उनको काफ़ी दिनों तक लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाए तो ख़राब हो सकते हैं, तो दूरी कम होगी तो उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ख़राब होने की समस्या भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो स्वेज कैनल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इंडिया का कनेक्शन की बात की गई है कि जो इम्पोर्ट किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और जो एक्सपोर्ट किया गया है उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पर इंडिया का शेयर इसमें बताया गया है। तो देखो इम्पोर्ट जो किया गया है ऑयल प्रोडक्ट्स, कोल एंड कोक, फर्टिलाइजर्स, फैब्रिकेटेड मेटल्स, LNG, इसमें ये सारा टोटल टन मतलब कितना प्रोडक्ट का वजन था उसके बारे में, और इंडिया का कितना शेयर था इसमें बताया गया है, ठीक है। और एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया का कौन सा रैंक था, कौन सा नंबर था, यहाँ पर ये रैंक बता रखी है, ये नंबर बता रखे हैं कि कितना परसेंट इंडिया का शेयर था। तो एक तरीके से अगर हम कंक्लूजन में देखें तो स्वेज कैनाल ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ लोगों का टाइम बल्कि एनर्जी और सब कुछ जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम सेव करने में कोशिश करती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ लेपिडो टेरिस्ट उन्होंने बटरफ्लाई की एक नई स्पीसीज को खोजा है, और ये जो नई स्पीसीज है वो वेस्टर्न घाट के जो अगस्त्या मलाई है वहाँ पर इसको खोजा गया है। नाकाडूबा सिंगला रामास्वामी सडा सिविल, ये एक न्यू स्पीसीज है, अगस्त्या मलाई जो एरिया है वेस्टर्न घाट में वहाँ पर मिला है। देखो जो वेस्टर्न घाट का नाम आया, वेस्टर्न घाट के बारे में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पूरे वर्ल्ड में जो बायोस्फीयर हॉटस्पॉट जो पाए जाते हैं उन्हीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एक वेस्टर्न घाट भी आता है, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई की नई स्पीसीज खोजी गई जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के भी एक मतलब मेंबर इसमें इंक्लूड थे, तो अगर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम देखें तो 1883 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आपका क्वेश्चन ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको बताना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक NGO है, और पूरे वो एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जो होता है उसमें एंगेज्ड है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ओवर 6.24 करोड़ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड। देखो अब तक हमारे इंडिया में 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारे इंडिया में अब तक 6.2 करोड़ वैक्सीनेशन दी जा चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज, कोविशील्ड सील्ड लाइफ एक्सटेंडेड टू 9 मंथ्स स्योज डॉक्यूमेंट्स। कोविशील्ड, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है
उसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। DGCI ने बोला है कि जिस दिन से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उससे आने वाले 9 मंथ तक उसको यूज किया जा सकता है। उससे पहले ये बोला गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया था कि 6 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो हमारे DGCI है, ड्रग रेगुलेटर है इंडिया के, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि 6 मंथ तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 9 मंथ तक आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, कनाडा लिमिट्स एस्ट्राजेनेका शॉट टू दोज अबोव 55 ईयर्स। देखो, एस्ट्राजेनेका को लेकर के काफ़ी कंसर्न क्रिएट हो रहे थे लोगों में, जो एक तरीके से क्लोटिंग बनने लग गई थी और उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन ये बोला गया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से ना होकर के उनके ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनको क्लोटिंग हो जाती है। तो कुछ कंट्रीज ने अपने यहाँ पर एस्ट्राजेनेका को अलाउ तो किया है टाइम के साथ में, लेकिन अपनी जो एज है कि इतनी एज से ऊपर के लोगों को ही एस्ट्राजेनेका दी जाएगी, तो उसमें जो कनाडा है उसने पहली बार, उसने कनाडा ने अपनी तरफ से बोला है कि कनाडा लेटेस्ट कंट्री के रूप में सामने आया जिसने बोला कि एस्ट्राजेनेका 55 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं कनाडा में उनको ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा ने ऐसा किया है, इससे पहले भी बहुत सारे देश ऐसा कर चुके हैं, जैसे फ्रांस ने भी अपने यहाँ पर 55 साल या फिर उससे ज़्यादा साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन को मतलब रिस्ट्रिक्ट किया है, और स्वीडन में 65 साल, फिनलैंड में 70 साल, और इसके अलावा और भी देशों ने अपने यहाँ पर एज ग्रुप को सिलेक्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंग ये वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, जयशंकर सेज इंडिया बैक्स अफगानिस्तान तालिबान डायलॉग। देखो, हार्ट ऑफ एशिया समिट के 9th कॉन्फ्रेंस चल रही है तजिकिस्तान में, उसी में जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इंडिया डबल पीस में काम करेगा। जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में पीस प्रोसेस लाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी, और इसके अलावा जो रीजनल एरियाज है उसमें भी पीस एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। इसके अलावा जो एस जयशंकर हैं उन्होंने हमारे सेंट्रल एशिया के साथ में कुछ कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जैसे इंडियाज एयर कॉरिडोर प्रोग्राम, चाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट, ईरान में हम चाहबार पोर्ट को डेवलप करते हैं ताकि जारांस डेलाराम जो हाईवे है उसके थ्रू हम अफगानिस्तान तक पहुंच बना सके और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सके। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है, जिसको तापी के नाम से जाना जाता है। तो ये एस जयशंकर के द्वारा ये बोला गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसमें इंडिया एक बेहतरीन रोल निभाए, और इसके अलावा जो रीजनल एरियाज है उसमें भी पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। अगर हार्ट ऑफ एशिया समिट के बेसिक फैक्ट्स को हम देखें तो 2011 में, 2 नवंबर 2011 में इस्तांबुल टर्की में सबसे पहले ये एशिया समिट हुई थी। इसका मेन काम ये था कि अफगानिस्तान और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के जो नेबर कंट्रीज हैं, रीजनल पार्टनर्स हैं, वहाँ पर पीस को एस्टेब्लिश किया जाए, मतलब साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये हार्ट ऑफ एशिया समिट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज, एमवी टैक्स रिबेट प्रपोज्ड फॉर स्क्रैपिंग व्हीकल्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति अपने ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैपिंग के लिए देंगे या स्क्रैपिंग वाली जो पॉलिसी है उसमें इंक्लूड करेंगे तो उनको मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर कुछ कंसेशन दिए जाएंगे। जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उनको मोटर व्हीकल टैक्स में 25% तक कंसेशन मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको 15% तक कंसेशन मिलेगा। स्पेशली साथ में उनको सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होगा, तब उनको ये कंसेशन दिया जाएगा। ये जो कंसेशन है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 15 साल तक वैलिड रहेगा और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके लिए 8 साल तक वैलिड रहेगा। ये सब कुछ देखो गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि जो एक पॉल्यूशन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसको, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनके थ्रू पोल्यूशन काफ़ी एमिट होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर के आई है ताकि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा फ्यूल है वो कम कंज्यूम हो,
एनर्जी एफिशिएंसी हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हों, और जो हमने टारगेट फिक्स कर रखे हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत उनको भी हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट न्यूज, OCI कार्ड होल्डर्स नीड नोट कैरी ओल्ड पासपोर्ट्स। पहले क्या होता था, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन डायस्पोरा के जो लोग जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स रखते थे, वो पहले जब इंडिया में आते थे तो उनको अपना ओल्ड पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड हो गया पासपोर्ट उसको भी ट्रैवलिंग के समय अपने साथ में होल्ड करना होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि जो ओल्ड आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स हैं उनको आपको साथ में लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम देखें तो उनको सारे प्रिविलेजेस लगभग दिए गए हैं सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे उनको राइट टू वोट के अलावा राइट टू वोट का राइट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस का राइट नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड को बाई करने का राइट नहीं है। मतलब ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे प्रिविलेजेज OCI कार्ड होल्डर्स को इंडिया में दे रखे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ग्लोबल लीडर्स पुश फॉर न्यू पेंडेमिक ट्रीटी। जो WHO के जो हेड हैं उन्होंने एक बात बोली है कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जब कोई इसी तरीके का ग्लोबल पेंडेमिक आए तो उसके लिए पहले से तैयार होना की आवश्यकता है, और जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में मिलें और एक इंटरनेशनल ट्रीटी इस तरीके से साइन करें कि कोई भी नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक आएगा उसके लिए तैयार हम रह सके। इसके लिए, इस ट्रीटी के लिए बहुत सारे देश हैं वो सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज, चाइना कट्स हांगकॉन्ग्स इलेक्टेड सीट। सबसे पहले हम हांगकॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। 1997 तक जो हांगकॉन्ग है वो ब्रिटेन के अंडर आता था। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकॉन्ग को चाइना को सेंड कर दिया, सुपुर्द कर दिया। तो देखो, जो हांगकॉन्ग है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत में चाइना के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। यहाँ की जो असेंबली थी उसमें पहले इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन चाइना हांगकॉन्ग को अपने अंडर एक तरीके से लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर उनकी जो असेंबली है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की जो संख्या है उसको कम करने की कोशिश की गई है। पहले जितनी संख्या है उसकी लगभग आधी ही वहाँ पर कर दी गई है, ताकि इलेक्टेड लोग जब कम होंगे तो लोगों की आवाज़ उस असेंबली में रिप्रेजेंट करने वाले कम होंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो संख्या है स्पेशली बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाएगा, नॉमिनेटेड किया जाएगा। नॉमिनेटेड किया जाएगा तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट जो है उसके क्या होंगे, मतलब उसके लिए अपना फेथ को दिखाएंगे, और फेथ को दिखाएंगे तो हांगकॉन्ग जो हमेशा से कोशिश करता है कि इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वो गवर्न करे, वो जो उसकी इच्छा है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंट सी गोटाबाया स्पीक ओवर फोन रीअफर्म्स टाइज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी UNHRC ने एक रिजोल्यूशन पास किया श्रीलंका के खिलाफ, और उसमें ये बोला गया कि श्रीलंका में जो माइनॉरिटी कंट्रीज हैं आफ्टर सिविल वॉर उनके खिलाफ में जो एट्रोसिटीज है, जो वायलेंस है, वो कम नहीं हुए हैं। तो UNHRC आपके लिए क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको क्यों किया गया था, कब किया गया था, इसको फाउंडेशन कब रखी गई थी UNHRC की, ये सब कुछ आपके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो, श्रीलंका के खिलाफ में एक रेजोल्यूशन लाया गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेशन किया जा रहा है। तो जो चाइना है उसने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ में वोटिंग की थी, 22 लोगों ने जो मेंबर्स हैं UNHRC के, 47 मेंबर्स उसमें 22 लोगों ने इसमें वोट किया था, कुछ लोगों ने खिलाफ वोट किया था, कुछ लोगों ने कुछ किसी का भी साथ ना दिया, इंडिया उसी में था, इंडिया ने ना तो इसके पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया था। अब सी जिनपिंग और जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में बातचीत हुई, तो सी जिनपिंग ने बोला है कि श्रीलंका जब भी कोई ऐसे प्रेशर वाले टाइम पर खड़ी होगी तो चाइना हमेशा फर्मली श्रीलंका के लिए खड़ा होगा। बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात की, जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी के ऊपर, इसके अलावा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके अलावा कैपिटल में जो सी फ्रंट लैंड है उसको रिक्लेम करने की बात की गई, हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका के सर्दर्न पार्ट में है वहाँ पर हाई क्वालिटी कोलैबोरेशन की बात की गई। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें भी दोनों मिलकर के काम करेंगे। COVID-19 के समय में भी चाइना और श्रीलंका ने दोनों ने मिलकर के साथ में इस COVID-19 को एक तरीके से गवर्न करने की कोशिश उन्होंने की थी।
चाइना ने यह भी बोला है कि एशियन आशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के तहत श्रीलंका को जो लोन है वो और ज़्यादा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके और पेंडेमिक के दौरान जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है उसको एक तरीके से कम किया जा सके। तो अगर हम AIIB के बारे में देखें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये 2016 से अपना काम स्टार्ट इसने कर रखा है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। देखो एक न्यूज़ और है, तिवू रिवर की बात की गई है। हमारा जो फ्रंट पेज है उसी पर न्यूज़ आई है, तिवू रिवर। इसमें मैप दिखा रखा है कि यहाँ देखिए, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश जहाँ से लोग रिफ्यूजीज़ के रूप में इंडिया में आ रहे हैं, तो ये तिवू रिवर की बात की गई है। तिवू रिवर को क्रॉस करके जो रिफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये फोटो सामने आई है 20 मार्च की। तो ये जो तिवू रिवर है वो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर बनाती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमारे इंडिया की जो मिजोरम स्टेट है उसमें ये बहती है और इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को बनाने का काम करती है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।